भाई संविधान सम्मत सभी को ये करना है, आपको हमको भी बुलाया जाएगा तो जाना ही होगा, तो संविधान का सबको सम्मान करना है, तो जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं यदि वो किसी विषय पर जानना चाहती है तो जाना ही होगा और जानना भी चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन किसी को प्रताड़ित अपमानित करने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच तो हर चीज़ में होनी चाहिए। इसमें प्रताड़ित और ये मामला कहाँ दिखाई देता है? अब ये तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि संविधान में बहुत तरह की शक्तियाँ हैं, यदि कोई किसी को लपड़ थपड़ करता है तो उसमें 323 324 लगता है, कोई किसी का जान मारने का प्रयास करता है 307 लगता है, कोई जान ही मार देता है 302 लगता है, तो अपराध किस प्रवृत्ति का हुआ, किसने किया, क्यों किया, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कौन से सरकमस्टांसेस हैं, तो वो तो संवैधानिक जो चीज़ें हैं वो जो एजेंसियां हैं उनको अपना काम करना है। वीडियो जो सामने आया था जिसमें विशाल चौधरी के दफ्तर में सरकारी फाइल निपटाने का बन्ना जी आरोप लगा था और ईडी भी कहीं ना कहीं उसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाई है जो बाहर तस्वीर साफ हुई है, तो सरकारी काम का को निपटाना निजी या के यहाँ ये कहाँ तक जाएगा? देखिए मैं इस ना वो मैंने देखा है ना उसकी जो प्रामाणिकता है उस पर जब तक जो है कोर्ट की मोहर नहीं लगेगी, अब आप क्या रिकॉर्डिंग करके क्या दिखा दीजिएगा इसके लिए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, तो उसके लिए और ना मैं अरुण एक्का जी का कोई सरकारी वकील हूँ ना सरकार का प्रवक्ता हूँ, जो जो चीज़ें प्रकाश में आई माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत जो है संज्ञान में लिया और उनको तुरंत जो है जिस पद पे वो थे वो बड़ा गंभीर पद था उससे हटाया ताकि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो, जांच हो जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।